हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू technobuzz.net। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे MIUI 10 का जो लेटेस्ट बीटा है 8.10.18। वो काफ़ी सारे Xiaomi फ़ोन के लिए निकल चुका है, उसी तरीके से वो Redmi Note 5 Pro के लिए भी आ चुका है। तो आज हम बात करेंगे कि आपको उसके अंदर क्या नए चेंजेस देखने को मिलते हैं और क्या क्या चीज़ें फिक्स की हैं और कैसे आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं अपने Redmi Note 5 Pro फ़ोन के अंदर। तो चलिए बिना कोई देरी करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम चलते हैं सेटिंग्स के अंदर और सेटिंग्स में मैं आपको दिखा देता हूं कि हमारा जो अबाउट फोन का जो सेक्शन है वो कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिलेगा। तो अब आपने सबसे पहले जो चीज़ नोटिस की होंगी, ये तीन आइकन ऊपर जो फर्स्ट टाइम आप अपने MIUI 10 के फ़ोन के अंदर ये देख पा रहे होंगे। ये मोस्टली जितने भी MIUI 10 का जो बीटा अपडेट आया है सभी फ़ोन्स के अंदर, सभी के अंदर आपको देखने को मिलेगा, चाहे पोको F1 हो, चाहे नोट 5 हो, चाहे Y2 हो। अब आपको तीन ऊपर इनके एड्स देखने को मिलेंगे, जिसमें इन्होंने अपने जो सोशल मीडिया पेज हैं फेसबुक के, इंस्टाग्राम के और ट्विटर के, उनका लिंक इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, जिसको आप वहाँ जाके फॉलो कर सकते हैं। जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया है कि ये चीज़ इनको नहीं करनी चाहिए थी। ऐसे एक यूज़र की अपनी मर्जी होती है वो क्या फॉलो करे और क्या चीज़ वो देखे। जो उसने पैसे दिए हैं तो दैट डजेंट मीन कि आप उसको ज़बरदस्ती इस तरीके ऐड शो करो, वो भी अबाउट फ़ोन के अंदर कौन ऐड शो करता है। चलिए ये तो अपने Xiaomi की अपनी बात है कि वो क्या दिखाना चाहते हैं क्या नहीं दिखाने, उसके ऊपर आप कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते। हाँ, तो ये देखिए एंड्रॉइड वर्जन 8.1.0 है। सिक्योरिटी पैच लेवल जो है अब आपको अक्टूबर का मिल जाता है इस नए अपडेट के अंदर, और जो इस अपडेट का जो वर्जन है वो 8.10.18 है। ये देखिए 8.10.18 बीटा वर्जन, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं लिखा हुआ है, साफ साफ मेंशन किया हुआ है। बाकी सिस्टम अपडेट में आप जाएंगे तो आप देखेंगे, मैं व्हाट्स न्यू में इसके चेंज लॉग देखने की आप कोशिश करेंगे तो यहाँ पे मना कर देता है, यू डोंट हैव परमिशन टू एक्सेस दिस पेज, क्योंकि बीटा स्टेज पे है तो अभी आप इसमें कुछ देख नहीं पाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा चेंजेस। हाँ, अब बात करते हैं कैमरे में आपको क्या क्या और चीज़ें देखने को मिलती हैं। देखिए कैमरे के अंदर भी आपको कुछ ज़्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे, अभी भी आपको इसके अंदर AI का मोड देखने को नहीं मिलता है। साथ ही साथ जो ग्रुप सेल्फी का जो मोड आ चुका है काफ़ी सारे फोन्स के अंदर, जैसे पोको F1 और काफ़ी सारे फोन्स के अंदर, वो भी आपको इसके अंदर देखने को नहीं मिलता। वीडियो के अंदर आपको जो है 60 FPS की रिकॉर्डिंग देखने को मिल जाती है। ये देखिए वीडियो क्वालिटी के अंदर 1080p 60 FPS, अल्ट्रा HD 4K रिकॉर्डिंग अभी भी आपको देखने को नहीं मिलती है। अब मैं नहीं जानता ये रिकॉर्डिंग कभी आएगी भी इसके अंदर कि नहीं आएगी, इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। पोर्ट्रेट मोड में अभी भी आपको काफ़ी लोग जो कह रहे थे जूम आएगा, जूम वगैरह कुछ नहीं आया है। फोकस वगैरह करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, ये देखिए फोकस हो जा रहा है, पिक्चर्स जो है ठीक तरीके से क्लिक हो जा रही है, शटर लैग आपको देखने को नहीं मिलता। जो चीज़ मैंने इसके अंदर नोटिस की है इस नए अपडेट के अंदर कि सिस्टम परफॉर्मेंस थोड़ी सी बेटर हुई है, जो पहले लैग देखने को मिलता था कई बार आपको रिसेंट सेट के अंदर, वो अब मुझे अलग देखने को नहीं मिल रहा है। अब सारी चीज़ें जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से काम कर रही है, कोई ज़्यादा लैग देखने को नहीं मिल रहा है पहले की तरह जो मुझे देखने को मिलता था। हाँ, जो थोड़ी सी चीज़ मैंने अभी नोटिस की है, इसको मैं शाम से यूज़ कर रहा हूँ, कि इसमें मुझे थोड़ा बैटरी की थोड़ी इशू लगा कि बैटरी जो है जल्दी इसमें ख़त्म हो रही है। बट अभी मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि जब मैं 24 आवर्स तक इसको टेस्ट नहीं कर लेता पूरे रोम को, तब तक कुछ नहीं बताया जाता कि बैटरी परफॉर्मेंस कैसी है, क्योंकि बैटरी कैलिब्रेट करना भी कई बार ज़रूरी होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको इसके अंदर देखने को, सेटिंग्स के अंदर आपको ज़्यादा कुछ और देखने को नहीं मिलेगा, सारे के सारे चीज़ें आपको वही देखने को मिलती है। लॉक स्क्रीन पासवर्ड में आपको अभी भी फिंगरप्रिंट एंड फेस डाटा मिल जाता है। फेस अनलॉक जो है मुझे पहले से बेटर लगा है, पहले से फास्ट हुआ है। और डिस्प्ले में आपको फुल स्क्रीन डिस्प्ले मिल जाता है, आप बटन से या फुल स्क्रीन जेस्चर जो भी इसमें सेट करना चाहें इजीली सेट कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद है आप कर सकते हैं। अगर मिरर बटन करना चाहते हैं तो मिरर बटन्स को भी इजीली इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। दोनों हमारे वोल्ट के सिम जो है अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे ऊपर दोनों पे वोल्ट लिखा हुआ है यहाँ पे, देखिए यानी कि जो HT हमारा जियो और एयरटेल के जो वोल्ट के सिम है वो दोनों ठीक तरीके से कर रहे हैं, कॉलिंग में कोई दिक्कत नहीं आ रही है। अभी भी आपको उसके अंदर जो डिफॉल्ट थीम्स में वही दो थीम्स मिलती हैं, एक्स्ट्रा कोई भी आपको उसके अंदर देखने को नहीं मिलता है कि आप सोचेंगे कि आपको नए थीम्स कुछ ऐड किए हों या कुछ नए वॉलपेपर्स इसमें ऐड किए हों, नहीं। आपको इसके अंदर कुछ भी ज़्यादा चीज़ें देखने को नहीं मिलेगी, ना लाइव वॉलपेपर्स में देखने को मिलता है, ना आपको माई वीडियो वॉलपेपर्स में कुछ ऐसा देखने को मिलता है। तो एक तरीके से देखा जाए UI में ज़्यादा चेंजेस नहीं किए हैं, कि आप सोचते हैं कि UI में काफ़ी सारे चेंजेस मिलेंगे, आपको कोई एक्स्ट्रा फीचर इसके अंदर ऐड किया होगा, ना ऐसा कुछ भी ऐड नहीं किया गया है। बस छोटे मोटे चीज़ों को जो है उन्होंने फिक्स किया है। काफ़ी सारे लोगों को लैंग्वेज में प्रॉब्लम आ रही थी, जो अदर कंट्रीज़ की लैंग्वेज में थी उनमें प्रॉब्लम आ रही थी, और नोटिफिकेशन में कुछ इशू आ रहे थे, उन्हीं सभी को इस अपडेट के अंदर फिक्स किया है। तो अगर मेरे से अगर आप पूछेंगे कि MIUI 10 पे रहना चाहिए कि MIUI 10 स्टेबल पे रहना चाहिए कि MIUI 9 पे रहना चाहिए, तो देखिए MIUI 10 जो है अगर आप जल्दी जल्दी अपडेट चाहते हैं तो आप MIUI 10 बेटा पे रहें। MIUI 10 का जो स्टेबल वर्जन है 10.0.2.0 वो भी मुझे इतना खास नहीं लगा, जिसका मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। हाँ,
अगर आपको स्टेबल और टेली ड्राइवर एज अ परफॉर्मेंस चाहिए तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप MIUI 9 पे रहें। अगर आप MIUI 9 पे जाना चाहते हैं तो मैंने काफ़ी सारे वीडियो बना रखे हैं कैसे आप MIUI 9 पे जा सकते हैं। हाँ, अगर आपको डेली अपडेट्स चाहिए या कुछ आपको थोड़ी फास्ट परफॉर्मेंस चाहिए फ़ोन के अंदर, देन आप MIUI 10 बेटा के ऊपर रह सकते हैं, बट आपको थोड़े बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ेंगे, जैसे थोड़े बहुत आपको एड्स देखने पड़ेंगे, थोड़े बहुत आपको बग्स वगैरह इसके अंदर मिलेंगे। अगर आप इस बीटा अपडेट को इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आपको सिर्फ एक जिप फाइल डाउनलोड करनी है और अपने जो फ़ोन की सेटिंग्स है उसमें जाना है, अबाउट फोन में जाना है, सिस्टम अपडेट पर जाना है, ये ऊपर 3 डॉट्स हैं, इन पर क्लिक करेंगे, चूज अपडेट पैकेज करेंगे और जो आपकी अपडेट की फाइल है उसको यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे। ओके करने के बाद जो ये इसको गेटिंग इन्फो करेगा और डिक्रिप्ट करेगा और ये अपडेट जो है आपके फ़ोन में इंस्टॉल हो जाएगा, चाहे आप MIUI 9 पे हो या MIUI 10 पे। आप इस तरीके से आ सकते हैं क्योंकि ये ऑफिशियल मेथड है, इसमें आपको फ़ोन का बूट लोडर अनलॉक नहीं करना है, ना ही आपको TWRP कस्टम रिकवरी इंस्टॉल करनी है। तो उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें पसंद आ गई होंगी और ये वीडियो पसंद आया होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।